सुन रखा है सांप काटता ना तो आदमी मरता है। सेठ जी ले आए बच्चों के खेलने के लिए रबर का सुहावना 4.5 फीट का सांप, और मुंह में उसको फेण बेण भी थी, और फेण तो वायर की थी, वायर को लाल कलर लगा दिया, हो गई फेण, जिह्वा हो गई उसकी सांप। दिन भर तो लड़कों ने खेला, अब बच्चे तो बचे हैं, बरामदे में छोड़ दिया। सेठ जी रात को निकले बाथरूम के लिए, महाराज उनकी बहुत से सांप पड़ा था बच्चों का खेला हुआ, बाथरूम तो चले गए। फिर जल्दी जल्दी अपने बिस्तर पर आए तो कुछ उस रास्ते से आ जा सांप पड़ा था, सांप कौन सा पड़ा था ये तो आप समझ गए। उसके ऊपर पैर आ गया तो उसकी जो नोक थी ना वायर तार जो थी ना पैर में चुभी, लोही निकला, देखा सांप, हाय रे सांप काटा, सांप काटा रे सांप काटा। अब जैसा सेठ था ऐसा सेठ के वो आस्था वाले थे, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, ग्लूकोज के बाटले चढ़ रहे हैं, तबीयत बड़ी सीरियस, लो बीपी हो गई। अब गए महाराज, रात को 2 बजे से ट्रीटमेंट हो रही है लेकिन अब नाड़ियां जवाब दे रही। जब सर्जन आए उन्होंने पूछा कि क्या हुआ कैसे हुआ, बोले बस ऐसे ही निकला था बाथरूम करने को, जाते समय तो कुछ दिखा नहीं, फिर क्या पता कहां से आ गया, जाते समय तो था नहीं लेकिन मैं 2-5 मिनट बूढ़ा आदमी हूं, जरा 2-5 मिनट लगी, न जाने कहां से बिल में से आया होगा, काट लिया। सर्जन ने देखा कि वो काट लिया, अब दूसरों को किसी को काटे नहीं, जरा जांच करो कहां है कहां से मेरा, जरा जांच कर। आदमी भेजे जांच करा तो जो कल परसों लाए थे सांप उसकी जो जीभ थी उस पर रक्त लगा था सेठ का, उठा के ले आए, बोला ये पड़ा था। अरे बोले तो मैं लाया था यार, ओहो हो उठ के रवाना हो गया। आस्था नहीं समझ आई तो रोक गया, आस्था थी ये सांप है उसने मेरे को काटा है अब मैं मरूंगा, ये आस्था थी, ज्ञान हो गया बच गया। जय जय, ऐसे हम चाहेंगे हम आएंगे मौत आएगा मर जाएंगे, लेकिन ज्ञान हो जाए ना कि मौत कौन सी है जरा देखे तो सही, मरते समय भी जरा ज्ञान रहे ना कि देखे मौत होती है तो शरीर पर होता है क्या होता है, अब मौत हो रही उसको देखने की अगर ज्ञान आ गया ना मौत की मजा लगे तुमको मारे, मौत शरीर पर गुजरेगी, ऐसे शरीर तो हजारों आए हजारों गए, हमको मार सके ये मौत में दम नहीं, उसी समय आदमी आत्मज्ञान होके अमर पद को पा लेता है। उस अपने आत्मा के अमर पद को जानता नहीं, उसीलिए शरीर के ऊपर जो नाम थोपा है उसको अमर करने जा रहा है, उसमें आस्था घुस गई। अपने स्वरूप में आस्था नहीं है कि मैं सदा अमर हूं नित्य हूं, लेकिन ये मरने वाले शरीर के ऊपर जन्मने के बाद जो नाम रखा है, कोई गिरीश जन्मा नहीं कोई पटेल जन्मा नहीं, जन्मा बाद में पटेल पड़ा नाम, बाद में गिरीश भाई पड़ा, बाद में रमेश पड़ा, बाद में छोगा जी पड़ा, नेबाजी पड़ा, गुंगा जी पड़ा, बाद में पहले दिन नहीं सातवें दिन पड़ा जन्मा, उसी वक्त गुंगा जी नाम नहीं रखा, गम्मा जी छब्बा जी एक्खा जी टोपन तेहूं, ये सब जो नाम रखे जन्मने के 7 दिन के बाद आस्था हो गई कि मैं ये हूं। पता होना चाहिए कि ये शरीर के ऊपर थोपा गया है, ये विवेक होना चाहिए, आस्था हो गई मैं फलाना हूं, दुनिया में कर जाऊं कि तख्ती लगवा जाऊं अमर हो जाऊं, अरे महल नहीं रहेगा तो तख्ती कब तक रहेगी यार और तख्ती तख्ती में आस्था रह गई ना तो मरने के बाद शायद वो तख्ती में आसक्ति हो जाएगी तो कीड़ी होके गुजरो वहां से, चिड़िया होके देखो आके अपनी तख्ती, फिर तो पता भी नहीं चलेगा। आचार्य विनोबा भावे को किसी भक्त ने कहा कि गुरुजी आज्ञा दे दो मैं 15,000 रुपये, वो जमाने के 15 अभी के 50 होंगे, जब सीमेंट 8 रुपये बोरी था, हम लोग को हमको पता है 8 रुपये बोरी सीमेंट लिया हुआ है, हमारे पड़ोस से हमारे दुकान पर बात चली थी, हाथी छाप निकला था 8 रुपये बोरी, 61-62 की बात है 63 की,
उस जमाने के 15,000 समझ गए ना। अभी जो जमाने में 15,000 में जो बनता मकान अभी 1,00,000 रुपए में बनेगा। तो गुरुजी मैं एक ऐसा एक खंड बना रहा आज्ञा मांगता हूं आपके आश्रम में एक खंड बना दें, फिर जरा यादगार लगा दूंगा तख्ती। उन्होंने बोला भाई मैं इतना पाप नहीं करूंगा। विनोबा ने कहा एक तो तेरे से पैसे लूं आश्रम में बनाने का और दूसरा फिर तेरे को नरक में भेजूं, इतना पाप